हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अड्डा अगेन। मुकुल स्किल्स अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज की जो वीडियो है एक्सेल के अंदर, मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट लोन एंड लीज स्टेटमेंट यूजिंग पीएमटी फंक्शन। जब भी हम लोग कभी गाड़ी लेते हैं, स्कूटर, कार, बाइक या कभी होम लोन लेते हैं, और उसका हमें इंटरेस्ट पे करना होता है अलॉन्ग विद द प्रिंसिपल। तो अगर मुझे ये जानना है कि पर्टिकुलर टर्म के लिए मुझे कितना इंटरेस्ट देना होगा और कितनी बड़ी इंस्टॉलमेंट बैठेगी मंथली या ईयरली, उसे हम किस तरह से कंप्यूट कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो कोई व्यूअर इस चैनल पर नया है और उसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ऐसे ही वीडियोस के लिए, तो पहले जाके उसको सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छी लगे एंड में तो उसको लाइक करें, और हाँ, बेल आइकन पर तो प्रेस कर ही दे ताकि आपको ऐसी आने वाली वीडियोस मिलती रहे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे, क्वेश्चन इज मिस्टर रमेश हैज बोरोड 2 लाख रुपीज एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। अब पर्पज कोई भी हो, उसने चाहे गाड़ी ली हो, चाहे दुकान ली हो, चाहे मकान के लिए पैसा लिया हो, उसने एक पार्टी से या एक बैंक से लोन लिया है 2 लाख रुपए का, जिसका इंटरेस्ट है 15% पर एनम, एक साल का इंटरेस्ट है 15%। सो मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लोन अमाउंट क्या है। तो लोन अमाउंट यहाँ पे डाल देता हूँ 2 लाख रुपीज। लोन अमाउंट हमारा यहाँ पे हो गया 2 लाख रुपए, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा हो गया कितना, 15%, और जो हमारे इंस्टॉलमेंट है वो कितनी है, ईयरली 12, मीन्स 12 साल की मेरी किस्तें हैं, 15% इंटरेस्ट है और 2 लाख रुपए का लोन है। सो मुझे अब ये निकालना है कि मेरा कितनी इंस्टॉलमेंट बनेगी और उसमें कितना इंटरेस्ट होगा और कितना मेरा प्रिंसिपल होगा। और क्योंकि ये टर्म 12 साल की है, तो मैं इसको कैलकुलेट करूंगा 12 साल तक के लिए, और मेरा एट द एंड ऑफ 12 ईयर्स मेरा आंसर यहाँ पे 0 आ जाना चाहिए। मीन्स कि यहाँ पे शो करे कि अभी मेरा कोई भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस नहीं है। सो ये हम कैसे करेंगे, यूजिंग पीएमटी फंक्शन। तो सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे कि मेरी कितनी इंस्टॉलमेंट बनेगी अगर मैंने लोन लिया है 2 लाख रुपए का, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, और लोन और जो पीरियड है हमारा वो है 12 ईयर्स का। सो मैं यहाँ फंक्शन लगाता हूँ इज इक्वल टू पीएमटी, जो क्या कैलकुलेट करता है, पेमेंट फॉर ए लोन बेस्ड ऑन कॉन्स्टेंट पेमेंट एंड कॉन्स्टेंट इंटरेस्ट रेट। मीन्स हमारे पास फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है और फिक्स टर्म्स ऑफ पेमेंट्स है हमारे पास, उसके बेसिस पर ये कैलकुलेट करता है कि हमारा कितनी इंस्टॉलमेंट बनेंगे ईयरली। तो मैंने यहाँ फंक्शन लगाया इज इक्वल टू पीएमटी ब्रैकेट स्टार्ट, सबसे पहले क्या आ रहा है, रेट। तो रेट हमारा कितना है, 15%, तो मैंने यहाँ पे लिया B3, एंड देन कॉमा। कॉमा क्या आ रहा है, एन पर, मीन्स नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, हमने कितने ईयर देने हैं उसको, पेमेंट टर्म कितनी हमारी 12 साल की, तो मैंने यहाँ पे लिया B4 कॉमा। फिर क्या आ रहा है, पीवी। पीवी मीन्स प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू क्या है हमारी लोन अमाउंट की, 2 लाख रुपीज। आगे आ रहा है फ्यूचर वैल्यू और टाइप। फ्यूचर वैल्यू तो कुछ हमारी होगी नहीं, क्योंकि मंथ तो पेमेंट देके वो खत्म हो जाएगा, और टाइप हमारी लॉजिकल वैल्यू आती है आइदर 0 और 1, बट मैं इसको यहाँ पे करने वाला नहीं हूँ। सिर्फ मुझे 3 पैरामीटर पास करने हैं, कौन कौन से, एक रेट, एक हमारी नंबर ऑफ टर्म, और दूसरी हमारी क्या है, प्रेजेंट वैल्यू जो मैंने लोन का ले रखा है। और ब्रैकेट बंद किया और मैंने यहाँ पे किया एंटर। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो मेरी मंथली इंस्टॉलमेंट, सॉरी, जो मेरी ईयरली इंस्टॉलमेंट है वो मेरी बनेगी 36,896.16 पैसा, जो कि मुझे इक्वली 12 मंथ्स में देनी होगी। ठीक है, इक्वली 12 मंथ्स में देनी होगी। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 12 से, सो अमाउंट नेचुरली बात है कि वो 2 लाख से ज्यादा ही आएगा। क्यों, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट भी तो ऐड होगा। तो उसी की जो कैलकुलेशन है आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि वो किस तरह से इस चार्ट में सारी फिगर्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगी विद द हेल्प ऑफ सम कैलकुलेशंस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने लिया ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे क्या आएगा, इज इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस मेरा क्या है, दिस वन, मीन्स B2, ये मैंने लिया इसका ओपनिंग बैलेंस, एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट किसका निकालना है मुझे, इस ओपनिंग बैलेंस का निकालना है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इज इक्वल टू B9 मल्टीप्लाई बाय, अब मैं यहाँ पे करूंगा फिक्स किसको, 15% को, क्योंकि ये मेरा फिक्स, ये मेरा चेंज नहीं होना चाहिए जब मैं सेल को कॉपी करूंगा किसी और सेल के अंदर। हाँ, ये चेंज हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे F4 नहीं प्रेस करूंगा। इनफैक्ट जो मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है इस पे मैं F4 प्रेस करूंगा, एंड देन एंटर। सो दिस इज द इंटरेस्ट अमाउंट, और इंस्टॉलमेंट मेरी क्या है, इंस्टॉलमेंट मेरी बनती है दिस वन, मीन्स B5, जिसको फिक्स नहीं करूंगा, और मैं एंटर करूंगा तो मेरा इंस्टॉलमेंट अमाउंट आ जाएगा ये, और मुझे अब निकालना है प्रिंसिपल अमाउंट। अब देखा जाए तो जो मेरी इंस्टॉलमेंट बनती है वो बनती है ये फर्स्ट ईयर की। सो इसमें जो मेरा इंटरेस्ट अमाउंट अगर ये है तो प्रिंसिपल कितना हुआ, तो नेचुरली बात है कि ये माइनस ये हुआ, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा,
दिस वन, अब क्योंकि ये माइनस में है तो मैं यहाँ पे लूंगा प्लस, अदरवाइज क्या करेगा वो माइनस माइनस प्लस कर देगा, एंड दिस वन। तो मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट बना ये, सो इंटरेस्ट अमाउंट मेरा ये है, प्रिंसिपल अमाउंट मेरा ये है, दोनों को जब हम एड ऑन करेंगे तो हमारी जो इंस्टॉलमेंट बनेगी मंथली वो बनेगी 36896। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट क्लोजिंग बैलेंस, और मुझे क्या करना होगा इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस कैसे आएगा कि ये मेरा जो ओपनिंग बैलेंस है इसमें से मुझे क्या करना होगा प्लस करूंगा इंटरेस्ट इसमें मेरा ऐड हुआ और प्लस करूंगा मैं इंस्टॉलमेंट 2 लाख दिस वन प्लस 30,000 2,30,000 उसमें मैंने इंस्टॉलमेंट पे करी 36,896। सो मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस हुआ वो मेरा बना कितना 193,105। अब नाउ सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स मुझे क्या करना होगा इसके क्लोजिंग को ओपनिंग उठाना होगा, तो मैंने क्या किया इज इक्वल टू दिस वन एंड एंटर, तो ये मेरा ओपनिंग बन गया। नाउ ड्रैग इट, और उसके बाद इंटरेस्ट की बात करेंगे तो इंटरेस्ट को भी हम ड्रैग करेंगे तो ये हमारा इंटरेस्ट बना, प्रिंसिपल की बात करेंगे तो इसको भी ड्रैग करेंगे, इंस्टॉलमेंट की बात करेंगे तो इसको भी ड्रैग करेंगे, एंड जब क्लोजिंग की बात करेंगे तो इसको भी ड्रैग करेंगे। अब यहाँ पे कुछ इश्यूज आए, वो इश्यूज क्या आए हैं कि यहाँ तक तो ठीक है हमारा इंटरेस्ट प्रिंसिपल, बट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई है, और वो क्या हुई है इसको हम देखते हैं एक बार। यहाँ पे हमने फॉर्मूला क्या लगाया B9, ओके यहाँ पे B10, सो B9 को मल्टीप्लाई किया B3 से, सो ओके राइट, उसके बाद प्रिंसिपल निकाला, ओके इंस्टॉलमेंट निकाला, इंस्टॉलमेंट को हमने फिक्स करना था जो हमने नहीं किया, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे F4 प्रेस करेंगे जिससे फिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी इंस्टॉलमेंट तो रहेगी रहेगी। अब जैसे ही करेंगे देखिए सब चेंज ऑटोमेटिकली हो गया और लास्ट में कितना अमाउंट आ गया 0। सो दैट मींस कि यहाँ पे हमारी अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और हमने लोन एंड लीज स्टेटमेंट को निकाल लिया है यूजिंग PMT फंक्शन। अगर मैं इसका ओवरव्यू दूं आपको एक बार, तो आप देखिए कि फर्स्ट ईयर मेरा जो ओपनिंग बैलेंस था वो 2 लाख था, जिसमें मैंने इंस्टॉलमेंट मंथली दी ईयरली दी 36,896 रुपए, जिसमें 30,000 मेरा क्या है इंटरेस्ट अमाउंट है और 6,896 मेरा क्या है प्रिंसिपल अमाउंट है। तो ये लेस करके मेरा क्लोजिंग बैलेंस बना ये, और सेकंड ईयर के अंदर मेरा ओपनिंग बन गया ये, तो मैंने कितना इंस्टॉलमेंट दी, इंस्टॉलमेंट मेरी वही जाएगी, देखो वो चेंज नहीं होगी, बस फर्क कितना है कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल जैसे जैसे ईयर बढ़ते जाएंगे तो इंटरेस्ट रेट आपका कम होता जाएगा और प्रिंसिपल आपका अमाउंट ज्यादा बढ़ता जाएगा, लेकिन आपकी जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है इट विल बी फिक्स जो कि आपको देनी है आपको 12 मंथ्स। तो ये हमारी है लोन एंड लीज स्टेटमेंट। उम्मीद करता हूँ आपको जो वीडियो है ये समझ में आ गई होगी, ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहे मेरे इस अड्डे पर, मुकुल स्किल्स अड्डा पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।